दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल टीम रवि पारिक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज लॉकडाउन का चौथा दिन है, इसका मतलब है कि आप पिछले 7 दिनों से घर पर ही हैं, आप कहीं नहीं जा पाए हैं। दोस्तों मेरे सारे टीम मेंबर्स वो भी घर पर कैद हो रखे हैं, अपना सारा डेली एक्टिविटीज़ क्या क्या कर रहे हैं वो मुझे अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों अभी तक शुरू के 2-3 दिन तक तो हम सबको एक वेकेशन जैसा एटमॉस्फियर फील हो रहा था, क्योंकि अचानक छुट्टियां मिल गई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये समय बढ़ते जा रहा है, ये हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, ये लॉकडाउन हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, लाइफ को एकदम इजी बनाकर आसानी से लाइटली लें। एक फैमिली है, 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे एक एजेंट ने ये मुझे फोन करके बताया था, 10 साल का बच्चा है, उसने अपनी माँ को थैंक्स कहा जब माँ ने उसको नाश्ता बना के दिया, लेकिन बाद में वो अपनी माँ से नाराज हो गया। पता चला कि उसकी माँ ने उसको झाड़ू निकालने के बाद, उसने साफ किया घर, झाड़ू निकाला, 10 साल का बच्चा, उसको थैंक्स नहीं कहा, इसके लिए वो नाराज हो गया। दोस्तों ये बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने ग्रेटिट्यूड के बारे में कहा था, उन लोगों ने देखा था। बात छोटी सी है लेकिन इट इज गोइंग टू इफेक्ट। एक और फैमिली का जिक्र करते हैं, मान लीजिए 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड, ये मेडिक्लेम की भाषा में मैं कह रहा हूँ, मतलब पति पत्नी और 2 बच्चे। पति सर्विस करता है, सुबह से शाम बाहर रहता है, पत्नी हाउसवाइफ है, घर पे मेड आती है और सारा काम करती है। लड़का है, बेटा, वो जॉब करता है, उसकी शिफ्ट होती है, डे नाइट शिफ्ट होती है। बेटी टीनेजर है, वो कॉलेज जाती है, क्लासेस जाती है, पढ़ाई करती है। देखिए दोस्तों, इन सब का रूटीन एकदम फिक्स्ड है। मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया है कि जो रूटीन होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा प्रोग्राम्ड है, और एक हैबिट की तौर पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको डेली का काम करने के इंस्ट्रक्शन देते रहता है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले 2 दिन पूरी फैमिली बहुत खुश थी, 2-3 दिन उन्होंने उसको वेकेशन की तरह से इंजॉय किया। यहां पर उनका डेली रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। पत्नी ने कुछ कहा, ये काम कर दो, सभी ने मिलजुल कर एक दूसरे को हेल्प करते हुए सारा काम किया। तीसरे चौथे दिन पति के सबकॉन्शियस माइंड ने, क्योंकि प्रोग्रामिंग चेंज हो रही थी, पत्नी के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को करने से मना कर दिया। दिस इज सबकॉन्शियस माइंड, पति ने इंटेंशनली नहीं किया। यहां पर पत्नी का रूटीन, उसका सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही डिस्टर्ब था क्योंकि मेड नहीं आ रही है। बेटा वो भी डिस्टर्ब्ड है क्योंकि उसका शिफ्ट चेंज होने वाला था और यहाँ पर उसको छुट्टी मिल गई, तो जो शिफ्ट चेंज होके उसको काम करना था वो यहाँ पर उसका डिस्टर्ब हो गया। बेटी वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बातें कर रही थी, चैटिंग कर रही थी। तो इस प्रकार पत्नी के इंस्ट्रक्शन देने के बाद, पति के मना करने के बाद, बेटे ने भी मना कर दिया और पत्नी बेटी ने भी थोड़ा सा आनाकानी की क्योंकि यहाँ पर सब बिजी थे, अपने अपने प्रोग्राम्ड रूटीन को फॉलो कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण सभी का रूटीन डिस्टर्ब चल रहा था। क्या हुआ, घर का माहौल टेंस हो गया। छोटी सी बात थी, कारण रूटीन बदलना। याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि रूटीन चेंज होने से आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ने वाला है, इसलिए आप स्ट्रेस न लें। भले ही आपकी सैलरी न आई हो, नो टेंशन। भले ही आपका टारगेट, मार्च एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्स वालों के लिए, आपका टारगेट नहीं हो रहा हो, डोंट वरी। आपका कोई भी काम अटका हुआ हो, कोई बात नहीं है, आप टेंशन ना लें। लाइफ को आसानी से जीने की कोशिश करें। आसानी से मेरा कहने का मतलब है, टेक इट इजी,
अपने किसी भी काम को अननेसेसरी न बढ़ाएं, दिमाग पर प्रेशर न डालें, अपना रूटीन फिक्स करें। दोस्तों याद रखिएगा, हैप्पी थिंग इज डूइंग नथिंग। आप यदि कुछ नहीं करते हो तो यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन। हैप्पी माइंड इज इक्वल टू हैप्पी लाइफ। इसलिए मैं आपको कहूंगा, आप अपने माइंड को हैप्पी रखने का कोशिश कीजिए। इफ यू कीप योर माइंड हैप्पी, योर लाइफ विल बी हैप्पी। बात छोटी सी है और मुझे विश्वास है आपको ये छोटी सी बात पसंद आई होगी। और यदि आपको ये अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करें। नमस्कार।